काफी टाइम बाद इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी मूवी आई है जिसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ यार, इस मूवी को देखकर काफी अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हलाल मूवी के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रणदीप झा ने। अब इस मूवी की कहानी पर आते हैं। एक लड़की है, मेडिकल स्टूडेंट है अर्चना, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने से पहले वो किसी आशीष नाम के लड़के को कुछ समझा रही होती है, लेकिन वो लड़का कुछ भी इसकी बातें समझ नहीं रहा होता, क्योंकि उसके पीछे जो कुछ गुंडे पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए, इसलिए वो लगातार भागे जा रहा है। और इस हालात में एक ट्रक आता है, वो इस लड़के को मारने के लिए होता है, लेकिन हत्या हो जाती है इस लड़के की। और जब लड़के की हत्या हो जाती है, तब इसके पिता शिव जो एक डॉक्टर हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं और रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण थे उसकी बेटी की जो हत्या होगी, लेकिन पुलिस इसको कुछ भी नहीं बताती। वो इवन ये कहती है कि इस लड़की की जो हत्या नहीं, मतलब किसी ने हत्या नहीं की, इसने खुद सुसाइड किया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इसके पिता यानी शिव कुमार को ये शक हो जाता है कि उसकी बेटी ने कोई भी सुसाइड नहीं किया है, ये बल्कि किसी ने हत्या की और कोई ना कोई इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस लड़की को लेकर यानी इसकी हत्या को लेकर बहुत सारे स्कैम जो है इसके पीछे छुपे हुए हैं। अब देखो यार, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आप लोगों को वो चीजें बता दूं, बट एक अगर मैंने वो बता दी वो तो एक स्पॉइलर हो जाएगा। बट क्या कहूँ यार, वो चीज़ें ना ऐसी हैं कि बताए बिना रहा नहीं जा रहा। क्योंकि केवल जो स्कैम इसमें दिखाया गया है वो भारत के हर एजुकेशन सिस्टम, इवन गवर्नमेंट जॉब पाने वाले जो बच्चे होते हैं उसमें भी किया जाता है। जो बच्चे जो हैं अपने दिन रात मेहनत करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको एक सीट मिल जाए, उनको एक जॉब मिल जाए, लेकिन कुछ पैसे वाले जो लोग होते हैं या इतना करप्ट जो सिस्टम होता है, इन गरीब बच्चे जो या मध्यम वर्गीय वर्ग के हैं या फिर जो मेहनत करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी मेहनत का उनको फल नहीं मिलता, बल्कि उनकी जगह किसी और ऐसे को बैठा दिया जाता है जो मतलब अयोग्य होता है, जिसने कभी कोई मेहनत नहीं की, कभी स्ट्रगल नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ पैसों के दम पर। और वो लोग पीछे रह जाते हैं जिन्होंने रात मेहनत की और उसके लिए वो काबिल बने। और इस करप्शन की जड़ें भारत में बहुत ज्यादा गहरी हैं, और ये करप्शन करने वाले जो लोग हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस देश से, इस देश की तरक्की से। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये देश कहीं पर भी जाए, पैसों के लिए इवन अपने देश को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इस मूवी में जो अर्चना की जो डेथ हुई है, अब वो उसके पीछे क्या रीजन था, देखो यार उसके लिए तो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि एक आम इंसान जब न्याय की गुहार लगाता है तो उसको इंसाफ कैसे मिलता है, उसको कितना भटकना पड़ता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको कितने धक्के खाने पड़ते हैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, क्योंकि भारत का जो सरकारी तंत्र है वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो गवर्नमेंट जॉब पाने वाले जो लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब क्यों पाना चाहते हैं? ज्यादातर उनकी ख्वाहिश यही होती है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, दो नंबर की जो कमाई है इसमें ज्यादा मिलेगी, आराम से बैठेंगे और ऊपर की कमाई खाने की कोशिश करेंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वो इस सरकारी तंत्र को सुधारने की कोशिश करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। और इस करप्ट सिस्टम में वो भले ही चपड़ासी हो या फिर बड़े से बड़े लेवल का अफसर क्यों ना हो, वो इस करप्शन में लिप्त आपको मिलेगा ही मिलेगा। खैर, मूवी पर वापस आते हैं। और जो इस मूवी में दिखाने की जो कोशिश की गई है, जो स्कैम इन्होंने दिखाने की कोशिश की, कसम से यार मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। और इस मूवी में एक करेक्टर है यूसुफ ऐसे करके जिसको प्ले किया है वरुण चौधरी ने, वो जो करेक्टर है यार कसम से वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। जब भी आप उनको जब स्क्रीन पे देखोगे, इवन उनके मुंह से कोई भी एक शब्द भी निकलेगा, आप उसको एंजॉय करोगे। आप जब उनकी जो डायलॉग है जो इनके लिए लिखे गए हैं, जब भी जैसे ही आप सुनोगे तो आपको अति प्रसन्नता महसूस होगी। अब देखो एंडिंग की बात कर लेते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा एंडिंग के बारे में, बट एक बात मैं ये कहूंगा कि एंडिंग इतनी ज्यादा कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है कि आप लोग देखोगे हाँ आप संतुष्ट हो जाओगे। रियलिटी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि रियलिटी में एंडिंग में मतलब असलियत में भी लगभग ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा निराश कर देने वाली एंडिंग है ये। एक पिता अपनी बच्ची की मौत का इंसाफ पाने के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसकी इस करप्ट सिस्टम के कारण उसकी आवाज दबी की दबी रह जाती है और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। और अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अब तो ऐसा नया भारत बन गया है, इसमें अब ऐसा नहीं होता, तो यार जरा थोड़े अपने आंख और कान खोलकर इधर उधर सरकारी तंत्र में जाने की कोशिश करूं, तब आप लोगों को सच्चाई के बारे में पता चलेगा। और ये जो लोग हैं वो अब के नहीं है, आप सोचो कि यार इस सरकार में बैठे हैं ये लोग, तो बहुत पुराने से बैठे हुए हैं, बहुत पुराने जो लोग हैं ये एक तरीके से दीमक की तरह इस सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच में इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये देश तरक्की करे या ना करे, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को भरने से मतलब होता है। तो मैं ये मूवी आप लोगों को जरूर रिकमेंडेड करूंगा कि यार प्लीज जाकर इस मूवी को जरूर देखें। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख ली है तो प्लीज कमेंट करके मुझे आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं मुझसे कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी है। और बस अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैंने कहा यार जरूर जाकर इसको देखो, प्लीज इसको जाकर देखो। आप लोगों को स्कैम या फिर और भी इससे चीजें रिलेटेड आप लोगों को पता चलने वाली है। खैर बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।